चमोली में ग्रीष्मकालीन का संचालन गैरसैंण भराड़ीसैंण से ना होने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना नगर के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्तमान सरकार लगातार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है। ग्रीष्मकालीन बजट सत्र गैरसैंण में ना करवाकर देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। चमोली से नीरज कंटारी की रिपोर्ट। के द्वारा यहां पर गिरफ्तार धरने की घोषणा की गई है और जब तक सरकार के द्वारा यहां पर गिरफ्तार धरने का संचालन नहीं होता है तो हम नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी, जिसमें लगभग 1.5 क्विंटल लड्डू आपके विधानसभा भवन में बंटे थे। कई गुलाब खिले गए थे कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाएगी।